वेलकम बैक टू माय क्वेश्चन पेपर है का। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो भी छात्र बीए फर्स्ट सेमेस्टर में है तो उनका एक पेपर का नाम आ जाता है जिसको आप जानते ही होंगे कि फूड एंड न्यूट्रिशन और हाइजीन के बारे में, मतलब कि जिसे कहते हैं पोषण, ठीक है, आहार पोषण और स्वास्थ्य रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं कि आहार कौन सा करना चाहिए, स्वास्थ्य और मतलब कि पोषण कैसा होना चाहिए और आपका स्वास्थ्य रिलेटेड बॉडी से रिलेटेड जो कौन से बनते हैं। अब यहाँ देखो, ये पेपर न्यू है, न्यू सिलेबस 2022 के लिए मैं करा रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बहुत ज़्यादा आपसे अलग होगी, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन मैं आपको बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वही करा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। आप डेली आपको वीडियो मिल जाएगी, शाम को मिला करेगी डेली, आप उसको अटेंड करिएगा, ठीक है, डेली क्लास को अटेंड करें। और यहाँ देख लीजिए, मैं आपको बताने वाला हूँ यूनिट नंबर फर्स्ट में यहाँ बात करने वाला है, मतलब जितनी भी यूनिट में 4 यूनिट डिवाइड की गई है, चारों यूनिट को हमने अलग अलग देखेंगे अच्छी तरीके से। इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। देखो क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, पहला जो क्वेश्चन है वो डिफाइन करना है फूड से, मतलब फूड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, आहार क्या है, आहार से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ बोला गया है, देखो पहला क्वेश्चन बोला गया है, पोषण का अर्थ भोजन सूचक कार्य अथवा प्रक्रिया। सूचक शब्द से मतलब है, सूचक का मतलब क्या होता है कि भोजन के प्रमुख को खींचकर, जो भोजन के प्रमुख को खींचकर शरीर का एक अंग बनाना, मतलब क्या है कि भोजन के प्रमुख जो तत्व होते हैं उनको खींचकर शरीर का एक अंग बनाना, इस प्रकार से बोला गया। ये किसके द्वारा कहा गया था, तो ये किसने कहा था कि भोजन के प्रमुख को खींचकर शरीर का एक अंग बनाना किसके द्वारा कहा गया, तो आप कहेंगे चैम्बर्स जो डिस्कवरी था उसके द्वारा कहा गया था, ऑप्शन नंबर ए को, सॉरी ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, ठीक है। तो जिसने बी दिया है, आप एक बार अपने प्रैक्टिस सेट को ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लगा के जरूर जाइएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो बोला क्या है, पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है जिसके द्वारा जीवित प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण तथा उपयोग करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है, वृद्धि करता है और शारीरिक टूट फूट को मरम्मत करता है। ये परिभाषा किसने दी थी बताइए। जो पोषण होता है वो शरीर में कुछ ऐसी प्रक्रिया होती हैं, टूट गया हमारा बॉडी कुछ, टूट फूट होता है, वृद्धि करता है, ये सब किसके आम पर आया जाता है, तो ये भाषा किसने, ये परिभाषा किसने दी थी, ये आपसे पूछा गया, ये डिफाइन किसने किया था। तो सभी का आंसर आएगा बेटा, फटाफट बता दो, टर्नर ने, ऑप्शन नंबर जिसने सी ऑप्शन दिया है, टर्नर बिल्कुल राइट होगा, टर्नर ने कहा था। आप हमारी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना यार, बहुत जरूरी है आपके लिए, समझ लेना, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां लिखोगा ऑल नोट्स डाउनलोड लिंक, ऊपर नीचे करके देख लेना, आपको सब मिल जाएंगे, ठीक है। चलो देखिए इसको, देखिए तीसरा क्वेश्चन बोला क्या है कि भोजन वह है जो व्यक्ति खाता है जो पचाया जा सके, जो पचाया जा सके, जो वृद्धि प्रोन्नति करता है, ये परिभाषा किसने दी थी बताइए। जो भोजन वह है जो व्यक्ति को खाता है, जो व्यक्ति खाता है, भोजन क्या होता है, जो व्यक्ति खाता है और जो पचाया जा सके, जो वृद्धि प्रोन्नति करता है, मतलब वृद्धि करता है हमारी बॉडी में, ये परिभाषा किसने दी थी, तो आप कहेंगे ये भी हमारा, ये डिस्कवरी ने दी थी, चैम्बर्स डिस्कवरी ने, ऑप्शन नंबर जिसने बी को लॉक किया है बिल्कुल राइट होगा। चलो अब देखो, हमें न्यूट्रिएंट्स से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। अब यहाँ आपको क्या क्या बनने वाला है इसको ध्यान से देखिए, जिसे बोलते हैं पोषण, ठीक है, न्यूट्रिशन से बोलते हैं ना, न्यूट्रिएंट्स मतलब होता है पोषण, पोषण से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। देखो यहाँ बोला गया है, हमारे जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ, जो मोस्ट है, यहाँ बोला गया है हमारे शरीर को पोषित करता है, हमारे शरीर को कौन पोषित करता है आपको बताना है, आप सभी का आंसर आएगा वो करता है भोजन, हमारे पोषित का मतलब कौन पोषण देता है हमारे बॉडी को, तो आपको कि भोजन, भोजन पोषण देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपोषण की कितनी स्थितियां होती हैं, मतलब कि अपोषण, अपोषण प्राप्त करने की कितनी कितनी स्थितियां होती हैं, कितनी पोजीशन होती हैं, तो आपको कि दो पोजीशन होती हैं, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला क्या है, जब पोषण शरीर की आवश्यकताओं के अनुकूल होता है तो ऐसी स्थिति कहलाती है, जब पोषण जो क्या होता है हमारी शरीर की आवश्यकता के अनुकूल होता है तब ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं बताइए। मैं चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आप फटाक से आंसर देना है बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाक से आंसर देना, उसे बोलते हैं सुपोषण, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे, ए वाले को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अभी इसी वक्त। यहां बोला गया है, वह कौन सा पदार्थ है जो मानव शरीर का पोषण करता है, वो कौन सा पदार्थ है आपको बताना है, जो मानव शरीर का क्या करता है, पोषण करता है, आपको भोजन करता है, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करो।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, देखो आप अपनी तैयारी को देख लो कितनी तैयारी है आपकी, नोट्स को जरूर डाउनलोड कर लेना, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यहां बोला गया है पोषण की अवस्थाएं होती हैं, तो पोषण की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं बताइए, पोषण की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, आप बोलोगे पोषण की जो पोजीशन होती है वो चार होती है, चार अवस्थाएं होती हैं, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है मानव शरीर की प्राथमिक आवश्यकता है, मानव शरीर की प्राथमिक अवस्था कौन सी होती है, तो आप बोलोगे देखो मानव के लिए धूप भी बहुत जरूरी है, भोजन भी बहुत जरूरी है, जल पिएगा तभी जीवित होगा, आइए सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है यहां बोला गया है देखो 50 रासायनिक पदार्थ शरीर की आवश्यकताओं की दृष्टिकोण से कितने समूहों में बांट दिए गए हैं, तो जो 50 हमारे रासायनिक पदार्थ हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आवश्यक है, तो उन्हें कितने भागों में, कितने समूह में डिवाइड कर दिया गया है, कितने ग्रुपों में डिवाइड किया है, ये आपसे पूछा गया है, तो सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, 7, ठीक है, तो यहां देख सकते हो जिसने भी ऑप्शन नंबर यहां देखो 7 में क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6, कितने हो जाएगा बेटा 6, ऑप्शन नंबर डी को जानेंगे, ठीक है, 50 जो रासायनिक पदार्थ हैं हमारे दृष्टिकोण मतलब शरीर के लिए कितने ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, 6 ग्रुपों में डिवाइड कर दिया गया है। नीचे हम पढ़ते रहेंगे, सब ध्यान से देखेंगे। 8वां क्वेश्चन बोला गया है पोषक तत्वों को मुख्य रूप से कितने समूह में विभाजित किया गया है, तो पोषक तत्वों को कितने कितने भागों में डिवाइड किया गया आपको बताना है, तो पोषक जो तत्व होते हैं वो मुख्य रूप से कितने समूह में विभाजित किया गया है, कितने ग्रुपों में, आप बोले 3 ग्रुपों में विभाजित किया गया है, पोषक तत्वों को याद करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, यहां बोला निम्न में से पौष्टिक तत्व है, पौष्टिक तत्व कौन सा है आपको बता रहा है, विटामिन है, प्रोटीन है, खनिज उपयोग सभी हो जाएंगे, बताओ पौष्टिक तत्व कौन सा है, सबसे ज्यादा तो पौष्टिक होता है वो आपको बताना है, बिल्कुल देखो प्रोटीन पौष्टिक होता है, खनिज भी प्रोटीन और विटामिन हमारे बॉडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, ये हमारे पौष्टिक तत्व कहलाएंगे, पौष्टिक एलिमेंट कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुसार गुण और मात्रा में अपूर्ण होते हैं तो वह स्थिति क्या कहलाती है, तो वह स्थिति क्या कहलाती है आपको बताना है, बताइए। 10वें क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बताएं, कुपोषण कहलाती है, यह स्थिति क्या कहलाती है, कुपोषण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से अपर्याप्त पोषण की कितनी स्थिति होती है, अपर्याप्त जो होती है, अपर्याप्त जो हम पर्याप्त नहीं कर सकते, उस पोषण की कितनी स्थिति होती है आपसे पूछा गया है। 11वें क्वेश्चन वो कि उसकी होती है दो पोजीशन होती है, दो स्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया पानी में घुलनशील फाइबर कौन सा होता है, पानी में कौन सा घुलनशील फाइबर होता है बताइए, आपके सामने है 4 ऑप्शन, फटाक से आंसर देंगे, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिसने भी 12 का ये सभी दिया है बिल्कुल राइट होगा, ये सभी होते हैं, तो गम्मी होता है बेटा, गम्मी बेटा क्या हो जाता है, फाइबर है, और ये पानी में घुल जाती है, पैक्टिन भी घुल जाता है और म्यूसिलेज भी घुल जाता है, ठीक है, तो ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। रेशा पाया जाता है, रेशा किस में पाया जाता है बताइए, रेशा पाया जाता है, रेशा किस में पाया जाता है, अनाज में, बहुत ही बढ़िया, जिसने लिया है बी की ऑप्शन दिया बिल्कुल राइट, अनाज में रेशा पाया जाता है। पानी में घुलनशील फाइबर निम्न है, पानी में घुलनशील फाइबर कौन सा है, पानी में घुलनशील फाइबर कौन सा है बताइए, पानी में घुलनशील फाइबर कौन सा है, एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे, फाइबर होता ना है, कौन सा घुलनशील फाइबर है चेक करो एक बार, फाइबर कौन सा है घुलनशील देख लो एक बार ध्यान से बताओ, कौन सा घुलनशील फाइबर है, एक बार देखेंगे सभी लोग क्या रहने वाला है फटाफट। 14वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप मुझे सभी लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। 14वें क्वेश्चन का आंसर जिसने भी दिया है सी बिल्कुल राइट होगा, सेलुलोज जो होता है वो पानी में घुलनशील फाइबर होता है, सेलुलोज बाकी नहीं होता है। चलें नीचे की ओर, चलो यहां देखो सेलुलोज दे रखा है, ठीक है, ऑप्शन के आंसर आप इस तरीके से आंसर भी आपको पीडीएफ के साथ मिल जाएंगे, आप हमारी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा मैं आपसे कह सकता हूं। अब हम न्यूट्रिशन के बारे में देखेंगे, अब न्यूट्रिशन पॉइंट डालेंगे, न्यूट्रिशन में देखो क्या क्या है, देखिए यहाँ भी न्यूट्रिएंट्स वहां था, अब न्यूट्रिशन यहाँ गया भाई पोषण के बारे में, यहाँ बोला गया विटामिन सी का रासायनिक नाम आपको बताना है, विटामिन सी का नाम बताना है, बताइए विटामिन सी का नाम क्या है बताइए, यहाँ बोला गया है रासायनिक, मैं कह रहा विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम हमसे पूछा गया है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, बस ये बताना है आपको। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया है एस्काइप्टिक एसिड बिल्कुल राइट हो जाएगा, तो इस तरीके से आपको याद करना है, रथ पर एक ट्रॉफी आप याद कर लेना आपको याद हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया विटामिन सी के कह सकते हैं अवशोषण में मदद करता है, तो विटामिन सी के अवशोषण में कौन मदद करता है, विटामिन सी के अवशोषण में कौन मदद करता है, तो वो करता है आयरन, डी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है विटामिन ए
शरीर में इकट्ठा हो जाता है किस रूप में हो जाता है बेटा? विटामिन जो सी होता है वो किस रूप में इकट्ठा हो जाता है? विटामिन सी किस रूप में इकट्ठा हो जाता है? तो आप कहोगे रेटिनॉल के रूप में इकट्ठा हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बांझपन किस विटामिन की कमी से हो जाता है? बांझपन जो होता है, बच्चे नहीं हो पाते उसको, ठीक है ना, वो मां नहीं बन सकती कोई महिला, तुम किसके कारण? विटामिन ई के कारण क्या होता है? बांझपन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के का कार्य क्या होता है? विटामिन के का कार्य क्या होता है सभी लोग बताइए। खून का थक्का ना जमना, ठीक है, थक्का जमाना, ये क्या होता है? विटामिन के का कार्य होता है, खून का थक्का जमाता है, ठीक है, और विटामिन के की कमी से क्या हो जाता है? खून का थक्का नहीं जमता है, इस बात को याद रखेंगे। यहां बोला क्या है? विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं। किस विटामिन को हार्मोन भी बोला जाता है बताइए? ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको विटामिन को हार्मोन भी बोला जाता है बताइए, सभी लोग बताइए। विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, बताओ। छठे क्वेश्चन का आंसर जिसने दिया है विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन भी बोला जाता है बेटा, हार्मोन भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है ओमेगा 3 का उदाहरण देता है या होता है बताइए। ओमेगा 3 का उदाहरण कौन सा है आपको बताना है? ओमेगा 3 का उदाहरण कौन सा है? अखरोट हो जाएगा, घी हो जाएगा, अनाज हो जाएगा, सब्जी हो जाएगा, बताइए। ओमेगा 3 जिसने दिया है अखरोट, बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होता है? सबसे ज्यादा प्रोटीन बताइए, सबसे ज्यादा प्रोटीन बेटा दालों में होता है, दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज को कहते हैं, ग्लूकोज को क्या कहा जाता है बताइए? ग्लूकोज को क्या कहा जाता है? ग्लूकोज मीठा होता है बेटा, ग्लूकोज मीठा होता है तो उसे क्या कहेंगे? मोनोसैकेराइड्स, बिल्कुल सही है बेटा, जिसने भी ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया परम सत्य आंसर है। ये क्वेश्चन 2022 में आने वाले एग्जाम में है, इस बात को याद रखना है, यहाँ से बाहर कुछ नहीं जाएगा। आप हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं जिससे हम पढ़ा रहे हैं, नोट्स में आंसर वगैरह सब कुछ आपको मेंशन किए होंगे, कोई इशू नहीं आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहां बोला क्या है फल और सब्जी उदाहरण बताना है, फल और सब्जी का उदाहरण कौन सा है आपको ये बताना है? फल और सब्जी का उदाहरण है बताइए, फल सब्जी का उदाहरण कौन सा है? फल भी है और सब्जी भी है, उस उदाहरण बताना है बेटा। तो याद रखना इसको कहेंगे प्रोटेक्टिव फूड, जिसने भी ऑप्शन नंबर दिया है डी परम सत्य आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है अपोषणीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्य पूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं उनके लिए क्या बोला जाता है बताइए? मिलाए जाते हैं, चार ऑप्शन आपके सामने है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा देखिए ध्यान, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है सब लोग कमेंट सेक्शन बताएंगे। उसको बोलते हैं बेटा फूड एडिविट बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है वह भोजन जो एक कह सकते हैं एक पोषीय दृष्टिकोण से पूर्णता अपर्याय है या अपर्याप्त होता है, अपर्याप्त होता है वो आपको बता रहा है। वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णता अपर्याप्त होता है उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं स्पष्ट द्रव भोजन बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित करता है या परिभाषित है बताइए, बताना है। तो मतलब शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है वो क्या चीज है ये आपको बताना है। तो वो होता है पोषण, पोषण एक आधारित होता है खाने के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषक चक्र में कितने चरण हैं आपको ये बताना है। मतलब सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषक चक्र में कितने चरण हैं आपको ये बताना है, कितने चरण होते हैं? तो आप वो चार चरण होते हैं, ऑप्शन नंबर ए की लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है पोषक तत्व का धारक अधिक होता है, जो धारण होता है पोषक तत्व का धारण अधिक होता है वो किसमें होता है? तो पोषण तत्व का जो धारण होता है वो सबसे अधिक किसमें होता है? तो आप कहोगे उबालने में, उबालने से सबसे ज्यादा होता है धारक, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी सी की ओर लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को एक बार देखेंगे। यहां कह रहा है बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है, बच्चों के शारीरिक विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है वो होता है बेटा पोषक, जिसे पोषण कहते हैं ना, पोषण सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कह सकते हैं पौष्टिक स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है और इन रूप में, मतलब किस रूप में पोषणीय स्थिति का पोजीशन का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन किया जाता है आपको बताना है। तो ये किया जाता है अनुकूलतम, अनुकूलतम अल्पतम में, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है भोजन में किण्वन से क्या बढ़ता है? देखो भोजन
भोजन में किण्वन से क्या बढ़ता है? तो आप कहेंगे भोजन के किण्वन से जो बढ़ता है वो बढ़ता है, यहां बोलेंगे पाचनशीलता बढ़ती है, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा निम्नलिखित से कौन सा खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई थी? तो जो डॉक्टर एम स्वामीनाथन थे उनके द्वारा जो खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई थी वो कौन सी थी? तो आप कहेंगे, कह सकते हैं 11 खाद्य वर्ग। कितने बेटा? 11 खाद्य वर्गों की अनुशंसा की गई थी, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, 20वें क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है किसी उत्पाद पर एमआरपी से क्या अभिप्राय होता है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट है उस पर एमआरपी लिखी होती है, एमआरपी कि भैया ये इतने रुपए की है, ठीक है, मार्केट प्राइस जो होता है। अब यहां देखो इसमें आपसे पूछा गया है वो अभिप्राय किससे होता है, तो आपको बताना है। 20वें क्वेश्चन का आंसर जिसने भी ऑप्शन नंबर दिया है, अधिकतम फुटकर मूल्य, मतलब इससे अधिकतम है, ये इससे ज्यादा आप नहीं दोगे, ये फुटकर मूल्य है, इससे ज्यादा आप नहीं बेच पाओगे, जो रेट दिया होता है एमआरपी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है, निम्न में से कौन सी विधि व्यक्ति के पोषण स्तर का आंकलन नहीं करती है? तो ऐसा कौन सा पोषण स्तर व्यक्ति है, मतलब ऐसी कौन सी विधि है जो पोषण स्तर का आंकलन नहीं करती है, उसको आपको बताना है। 24 घंटे की विधि, या उम्र अनुपात लंबाई, या जैव रासायनिक विधि, या रचना विधि। तो रचना विधि नहीं करती है, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, देखिए आघुलनशील एवं सदृश आहार का घुलनशील और सरल आहार में स्थानांतरण कहलाता है। तो देखो आघुलनशील और सदृश आहार का घुलनशील और सरल आहार में जो स्थानांतरण कहलाता है वो कहलाता है छोटी आंत में, सॉरी ये 22वें क्वेश्चन की जो रहने वाला है वो रहेगा हमारा, ये हो जाएगा कह सकते हैं आधारीय चन्या, कह सकते हैं आधारीय चन्या पंच, ठीक है, ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, पोषक तत्व का अधिकांश अवशोषण होता है, तो पोषक तत्व जो होते हैं सबसे ज्यादा अधिकांश कहां होता है? तो छोटी आंत में होता है, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। ठीक है, तो अधिकांश जो पोषक तत्व मिलते हैं वो अवशोषण कहाँ होते हैं? छोटी आंत में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेल्थ से रिलेटेड, क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ, देखो हेल्थ से, अब यहाँ हेल्थ से रिलेटेड यहाँ बोला गया, निम्न में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ऐसी कौन सी शर्करा है तो जो सबसे ज्यादा मतलब तत्काल तुरंत की तुरंत ऊर्जा प्रदान कर देती है, वो आपको बताना है। तो वो कर देती है ग्लूकोज, ग्लूकोज जो होता है वो सब ऊर्जा सबसे पहले तुरंत मतलब तत्काल कह सकते हैं तत्काल ऊर्जा प्रदान कर देती है शर्करा, है वो ग्लूकोज। शहद में मुक्ता होते हैं, तो शहद में क्या होता है आपको बताना है, शहद में क्या होता है? बिल्कुल शहद में हाइड्रो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा होता है, शहद के अंदर हाइड्रोकार्बेट कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, शहद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, तो सबसे अधिक जो ऊर्जा प्रदान करता है वो क्या करता है? सबसे ऊर्जा जो प्रदान करता है वो बसा करता है, जैसे भी ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया, परम आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, मतलब कि ये बोला गया है तो मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो पुनः संग्रह हो जाते हैं, वो कहां पर किस कहां हो जाते हैं? तो आपसे पूछा गया है, तो जिसने भी ऑप्शन नंबर दिया है ग्लाइकोजन, बिल्कुल राइट होगा, ग्लाइकोजन संग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का अनिवार्य अवयव है, तो जो अनिवार्य भोजन का जो अनिवार्य अवयव है वो कौन सा है? तो वो है कार्बोहाइड्रेट होता है, ये अनिवार्य है बेटा भोजन के लिए, भोजन में कार्बोहाइड्रेट तभी प्रोटीन मिल पाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत कार्बोहाइड्रेट से हमारी मसल्स गेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, देखिए मानव शरीर में ईंधन का काम करता है, तो मानव शरीर में जो ईंधन का काम करता है वो कौन करता है? तो वो भी बेटा कार्बोहाइड्रेट करता है, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। कैप्सूल का आवरण बना होता है, तो कैप्सूल का आवरण बना होता है किस चीज का बताइए? जो कैप्सूल होता है उसका आवरण बना होता है किस चीज का बना होता है? तो आप हो गए स्टार्च का बना होता है, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद का मुख्य घटक होता है, शहद का मुख्य घटक बताना है, मुख्य घटक जब पूछ रहा है शहद का मुख्य घटक कौन सा होता है बताइए, शहद का मुख्य घटक कौन सा होता है? फ्रक्टोज, बहुत ही बढ़िया, जिसने भी ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया है परम सत्य आंसर है। हमारी इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर पाएंगे, नोट्स की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाकर डाउनलोड कर लीजिए आल नोट्स पीडीएफ, उस पर टच करेंगे वहां सारे आपको मिलेंगे, बीए बीएससी बीकॉम एमएससी एमकॉम सबके नोट्स मिल जाएंगे, बाकी डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। यहां बोला एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी ज्यादा ऊर्जा मिलती है? तो एथलीट्स बोला गया है सबसे ज्यादा सबसे पहले किस चीज से हमें एनर्जी मिलती है ऊर्जा मिलती है, तो वो मिलती है बेटा
जिसने भी ऑप्शन नंबर 9 का कार्बोहाइड्रेट दिया है परम सत्ता आंसर है। इससे हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, चलती। नेक्स्ट वन, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य को करने के बाद पेशियों में थकान उत्पन्न हो जाती है, ये किसकी वजह से हो जाती है? ये आपको बताना है, जब थकान महसूस हो जाती है, हम अधिक तक काम कर रहे हैं अपने शरीर से तो हम थक जाते हैं, तो किसके कारण हो जाता है आपको बताना। बिल्कुल वो हो जाता है बेटा लैक्टिक एसिड के कारण, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है ऊतकों का निर्माण होता है, तो ऊतकों का निर्माण कहां होता है बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। ऊतकों का निर्माण होता है, तो ऊतकों का जो निर्माण होता है वो प्रोटीन द्वारा सबसे ज्यादा होता है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। एंजाइम बने होते हैं, एंजाइम किसके बने होते हैं आपको बताना है। एंजाइम भी बेटा प्रोटीन के बने होते हैं। पेपर हैकर यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यह बात करने वाले हैं जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है, ये आपको बताना है। जो जैविक सिस्टम होता है उसकी रासायनिक क्रिया में, क्रिया की प्रक्रिया में तेज, यदि तेज गति से उसे करना चाहते हैं तो हमें क्या चीज उत्तरदायी होगा, कौन सा पदार्थ हमें उत्तरदायी रहने वाला है, तो वो कहोगे एंजाइम उत्तरदायी होता है। रक्षात्मक पदार्थ कहलाता है या कहा जाता है, तो वो विटामिन कहलाता है, ये हमारी रक्षा करता है हर चीजों से। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है बेटा बैक्टीरिया वगैरह से रक्षा करता है विटामिन, ठीक है। यहां बोला गया है हमारे शरीर में एनर्जी प्रदान करता है विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है मानव शरीर में विटामिन ए संचरित होता है, किसके द्वारा होता है बताइए, संचित होता है आपको पूछा गया। विटामिन ए संचित रहता है तो किस जगह रहता है आपको पूछा गया, ये बनता कहां है, इस तरीके से कह सकते हैं। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर दिया है 15वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर याकृत, लीवर, बिल्कुल राइट हो जाएगा। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, वो कहां रहेगा, वो रहेगा याकृत में, ऑप्शन नंबर ए इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया थायमीन है, थायमीन क्या है, विटामिन बी वन है बेटा, विटामिन बी वन एक थायमीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया वह विटामिन जिसमें कोवाल्ट होता है वो होता है विटामिन बी 12 जिसमें कोवाल्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है संक्रामक रोग किससे फैलते हैं आपको बताना है, संक्रामक जो रोग होते हैं वो किस चीज से फैलते हैं, तो उपरोक्त सभी से बेटा, भोजन से भी, जल से भी और वायु से भी फैलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया चेचक के रूप में है, चेचक के रूप में क्या है बताइए, बड़ी और छोटी जो होती है ना, कह सकते हैं बड़ी और छोटी चेचक, ये चेचक का रूप ही होता है, छोटी माता बड़ी माता से बोला जाता है। यहां आपको बताना है पसीना हमारे त्वचा से बाहर आता है, बालों द्वारा, उतकों द्वारा, रोमों द्वारा, छिद्रों द्वारा, किसके द्वारा आता है आपको बताना है, पसीना जो आता है वो किसके द्वारा बाहर आता है, छिद्रों द्वारा आता है, ऑप्शन नंबर किसको डी को लॉक करेंगे। हैजा रोग फैलने का कारण क्या होता है, हैजा किसके कारण होता है बेटा, मक्खी के कारण, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षय रोग फैलने का माध्य है, मतलब क्षय रोग किसके कारण फैलता है, यहां जल द्वारा, सुनने द्वारा, वायु द्वारा, या फिर कह सकते हैं गंदे से, या कपड़े द्वारा, या कपड़े से, ठीक है। आपको बताना जो क्षय रोग फैलता है वो वायु द्वारा फैलता है, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया टाइफाइड रोग और किस नाम से जाना जाता है, टाइफाइड को किस और नाम क्या है, टाइफाइड का आपको बताना है, म्यादी बुखार के नाम से जाना जाता है टाइफाइड को, ठीक है, जिसमें 14 से 15 दिन की दवाई चलती है तब सही होता है टाइफाइड जिसको हो जाता है, ठीक है। सलमोनिया यहां बोला गया है टाइफी नामक जीवाणु रोग फैलाते हैं, जो सलमोनिया कह सकते हैं, सलमोनिला जो टाइफी होता है नामक जीवाणु वो किस रोग को फैलाता है, उसके द्वारा कौन सा रोग हो जाता है, तो वो हो जाता है टाइफाइड बेटा, टाइफाइड इसके कारण ही होता है, ठीक है। हाँ, सलमोनिला टाइफी जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक रोग कौन सा जीवाणु फैलाता है, चेचक रोग कौन सा जीवाणु द्वारा फैलता है आपको बताना है, चेचक रोग किस जीवाणु के द्वारा फैलता है, तो वेरियोला के कारण फैलता है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। चेचक वेरियोला जो है वायरस, उसके जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, उसके कारण फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल और भोज्य पदार्थों के मध्य से फैलने वाले रोग पेचिस के मुख्य लक्षण है, तो जो मुख्य लक्षण होते हैं, ठीक है, पेजेस के, वो कौन से होते हैं, तो आपको सभी कहेंगे ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हम किसको लॉक करेंगे, डी को। देखो यहां कह सकता है आंतों में दर्द होगा पेचिस जब होगी, तो मल के साथ रक्त भी आएगा और दांतों में क्या होगा, दांतों में
सकते हैं जो सॉरी आंतों में जो क्या होगा मरोड़ होता है, मतलब आंतों में मरोड़ हो जाती है। तो ये किसके कारण होता है? ये सभी हमारे पेचिश के मुख्य लक्षण होते हैं, ठीक है। मल के साथ में खून भी आता है, ब्लड, और ये सब आंतों की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो बात करने वाले हैं 37वां क्वेश्चन, वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन खनिज लवणों के का लवणों के रूप में मिट्टी के भीतर पहुंचाई जाती है, तो किसके द्वारा? जानवर द्वारा, मनुष्य द्वारा, जीवाणु द्वारा या पेड़ द्वारा, ये आपको बताना है। तो जिसने भी दिया है जीवाणु, बिल्कुल राइट होगा, जीवाणु द्वारा पहुंचती है। वातावरण में उपस्थित जो नाइट्रोजन होती है वो खनिज कण के रूप में मिट्टी के भीतर पहुंचाई जाती है, वो जीवाणु के द्वारा पहुंचाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसी है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है जिसे हम CO2 बोलते हैं, ये अशुद्ध गैस होती है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यहां देखो 29 को देखेंगे। यहां कह रहा है बेचैनी वह स्थिति है जिसमें शरीर में समान रूप से कार्य करने की स्थिति बिगड़ जाती है। बेचैनी वह स्थिति है जिसमें शरीर के सामान्य रूप से कार्य करने की स्थिति क्या हो जाती है? बिगड़ जाती है, वो होता है रोग। जब रोग हो जाता है तो जो हमारी बेचैनी होती है, और इसमें क्या होगा, शरीर जो कार्य करता है वो कार्य करना अपना बंद कर देता है, कोई और पोजीशन अपना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है संक्रमण, जानते हैं संक्रमण रोग कैसे कैसे हैं, तो कौन से होते हैं संक्रमण रोग, कौन कौन से होते हैं संक्रमण, तो मतलब एक दूसरे में फैलते हैं। तो आप जानते हैं हैजा एक संक्रमण रोग है, पीलिया भी है और इन्फ्लुएंजा भी, ये सभी हो जाएंगे एक संक्रमण रोग होते कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ये सभी हो जाएंगे। गैर संक्रमण रोग के लक्षण आपको बताना है, तो गैर संक्रमण रोग होता है उसके लक्षण क्या है? जैसे कि गठिया है, कैंसर है, ठीक है, उच्च रक्तचाप वाला, ये फैलते नहीं है संक्रमण द्वारा, नहीं फैलते हैं, वहीं रहते हैं, मतलब गैर नहीं है। यहां देखो बात करने वाले हैं रोगाणु फैलने के मध्य है, फैलने के माध्यम क्या होते हैं? रोगाणु किसके द्वारा फैलता है आपसे पूछा गया है। रोगाणु फैलने के जो माध्य होते हैं, मतलब कि किसके माध्यम से वो फैलता है, तो देखो जो रोगाणु फैलते हैं वो विषाणु वायु द्वारा फैलते हैं, मक्खी मच्छर द्वारा और संपर्क में आने से फैलते हैं, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है यह बोला गया है बह जीवाणु बह रोगाणु जिससे हम प्रदूषित प्रदूषित कहते हैं, मतलब बह रोगाणु जिसे हम प्रदूषित कहते हैं उसमें उपस्थित होते हैं, क्या चीज उपस्थित होते हैं? देखो कोई रोगाणु है और उसमें क्या है प्रदूषित हो रहा है, उसे हम प्रदूषित कहेंगे, मेरे ये रोगाणु है, मैंने रोग हो गया इसको, तो वो उसमें क्या उपस्थित होगा? ताप होगा, नमी होगा, रेगाणु क्या रोगाणु होगा या पानी उपस्थित होगा, आपको बताना। 33 का रोगाणु उपस्थित होते हैं बेटा, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। यहां हम डाइट से रिलेटेड क्वेश्चनों को देखेंगे, जो आहार से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहां बोला गया है वह आहार जिसमें एक व्यक्ति के प्रतिदिन की शारीरिक अवस्थाएं पूरी तरह से समर्थ हो उसे कहते हैं, जो पूरी तरीके से समर्थ होती है उसके लिए संतुलित आहार कहलाता है। मतलब उसके एक बॉडी है उसके लिए जो हमारे लिए एक पूरे दिन में शरीर के लिए आवश्यकता होती है, वो जो प्रोटीन हम उसको देते हैं वो संतुलित आहार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानता व्यक्ति कितने प्रकार के कार्य करता है, कितने प्रकार के कार्य करता है समानता, एक व्यक्ति है वो कितने कार्य के कार्य कर सकता है, तो आप कहेंगे 3 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है भोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य ये भी है, कौन सा है बेटा आपको बताना है। देखो चार ऑप्शन है, रोग उत्पन्न करना ये भोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य है, या फिर ताप नियंत्रण रखना, ए और दोनों, ए और साथ दोनों, ये इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है, बताइए क्या रहेगा। तो ताप नियंत्रण करना, ठीक है, महत्वपूर्ण कार्य हो जाएगा ताप नियंत्रण करना। देखो रोग उत्पन्न करना ये हमारा भोजन का मुख्य कार्य नहीं होता है। WHO का पूरा नाम आपसे पूछा है, तो आप जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ, कह सकते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है ए, देखो यहां देखिए हेल्प नहीं होगा, हेल्थ होता है हेल्थ, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखिए, निम्न में से कौन सा संतुलित आहार के अवयव है बताइए। संतुलित आहार के अवयव कौन कौन से हैं? कैलोरी है, विटामिन है, या फिर खनिज लवण, या फिर प्रोटीन, ये सभी। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर दिया है ये सभी ये एक संतुलित आहार के हैं, प्रोटीन भी हमें खाना चाहिए, ठीक है, और खनिज विटामिन वगैरह और कैलोरी ये जरूरी है, तब हम संतुलित आहार बन पाएगा। सुरक्षात्मक कह सकते हैं पौष्टिक तत्व निम्न में से क्या है, तो जो सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ देखो कैलोरी, वसा, विटामिन या फिर जल, आपको बता रहे हैं सुरक्षात्मक होना चाहिए और वो पौष्टिक तत्व होने चाहिए वो कौन कौन से हैं। हाँ, तो जिसने कहा है विटामिन और खनिज, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला गया है देखो
किसका संतुलित आहार पर प्रभाव पड़ता है, किसका संतुलित आहार पर इफेक्ट पड़ता है, तो किस पर पड़ता है प्रभाव, तो वो पड़ता है सभी पर, लिंग पर भी पड़ता है, आयु पे भी पड़ता है और श्रमिक श्रम पर भी पड़ता है। देखो ये सभी पर पड़ता है, यदि आप संतुलित आहार को आप नहीं लोगे तो आप कमजोर हो जाओगे, आयु में मतलब क्या है बूढ़े दिखाई देने में लगोगे जल्दी से जल्दी, श्रमिक श्रम मतलब हम लोग अपने बॉडी से काम नहीं ले पाएंगे उतना, तो ये चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है संतुलित आहार ना लेने से क्या प्रभाव होता है, जब संतुलित आहार को आप नहीं लोगे तो क्या प्रभाव होगा, रोग होगा, रोग होना या फिर कह सकते हैं बेचैनी होना या शक्ति में कमी होना, तो आप कहोगे या फिर ये सभी, तो आप सभी का आंसर आना चाहिए बेटा आठवें क्वेश्चन का जो रहेगा वो ये सभी हो जाएगा। देखो शक्ति में कमी भी हो जाएगा, रोग होना स्टार्ट हो जाएंगे जब आहार संतुलित आहार नहीं लोगे और बेचैनी होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतुलित आहार में होते हैं, नेक्स्ट संतुलित आहार में क्या क्या होता है, तो प्रोटीन भी होता है, विटामिन भी होता है, वसा भी होता है, तो ये सभी होते हैं बेटा संतुलित आहार में, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। ठीक है, दसवें का जो है वो डीज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नमे का बेटा डीज राइट होगा। दसवें क्वेश्चन को देखिए, यहाँ कह रहा है संतुलित आहार लेने से क्या प्रभाव होता है, तो लेने से क्या इफेक्ट होता है हमसे पूछा गया, संतुलित आहार को यदि आप लोगे तो क्या आपको प्रभाव होता है, आपको देख रहा है, तो यहाँ कह रहा है परेशान परेशान रहना, मतलब परेशान रहोगे या संतुलित आहार लोगे नहीं, तो कह रहा है स्वास्थ्य और क्या रहोगे, खुशहाल रहना, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य और खुशहाल रहना ये क्या हो जाएगा संतुलित आहार लेने का प्रभाव हो जाएगा, मतलब क्या है। ठीक है, अब ये जब संतुलित आहार लोगे तो आप स्वस्थ रहोगे और खुशहाल रहोगे, तो ऑप्शन नंबर आपको बी लॉक कर रहा है। संतुलित आहार का उत्तम है, संतुलित आहार उत्तम किसमें है, 11वें क्वेश्चन को देखेंगे, आवश्यक आहार हो जाएगा, आवश्यक कहेंगे अनावश्यक नहीं, आवश्यक। ठीक है, देखिए आवश्यक जो आहार है वो एक संतुलित आहार शरीर के लिए कैसा आहार है, एक आवश्यक आहार है, बहुत जरूरी है कि हम आहार लेना। नेक्स्ट को वाला क्वेश्चन बोला गया है कि मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति को कैलोरी लेनी चाहिए, तो मानसिक व्यक्ति जो मानसिक कार्य कर रहा है तो उसके लिए कितनी कैलोरी लेनी चाहिए, मतलब कौन सी, कम, पौष्टिक या फिर अधिक या अपूर्ण, बताइए। तो आप कहोगे कम, उसको क्या कम कैलोरी लेनी चाहिए जो मानसिक कार्य कर रहा है, करने वाले व्यक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है भोजन को खाना चाहिए, भोजन को खाना चाहिए किसमें, बताइए, मतलब चबाकर खाना चाहिए, तोड़कर खाना चाहिए, पूरा साबित खाना चाहिए या फिर कह सकते हैं मसल कर खाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 14 का क्या रहेगा, चबाकर खाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 15वें क्वेश्चन को देखेंगे। 15वां क्वेश्चन बोला गया है अधिक क्रियाशील व्यक्ति को विशेषकर आवश्यकता होती है, तो विशेषकर किसकी आवश्यकता होती है अधिकतर व्यक्ति को क्रियाशील करने के लिए, तो वो होती है संतुलित आहार की, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है मन को स्वस्थ और खुशहाल रखता है, तो क्या चीज रखता है, देखो मन को स्वस्थ और खुशहाल जो रखता है वो हमारा संतुलित आहार रखता है। यदि हम संतुलित आहार को पूरी तरीके से प्रोटीन लेंगे तो हम खुश रहेंगे और कैसा रहेंगे, संतुलित रहेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है, इसको देखिए 17वां क्वेश्चन बोला गया है कि संतुलित आहार में क्या क्या होता है, तो संतुलित आहार में क्या क्या होता है वो हमसे पूछा गया है, तो यहाँ बोला गया है ताजी सब्जियां भी होती हैं, प्रोटीन या फिर अनाज, ये सभी, तो आपका ये सभी का ऑप्शन आएगा, प्रोटीन भी होता है संतुलित आहार और ताजी सब्जियां भी खानी चाहिए और अनाज भी। ठीक है, ये पार्ट वन था हमारा वीडियो का। अब पार्ट वन में हमने क्लियर करा है कुछ क्वेश्चन जिसमें हमने 3 से 4 टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखे। अब पार्ट टू में हम देखेंगे बेटा, इसके आगे के पार्ट टू में, तो जो भी हमारा जो फूड और नेचुरल हेल्थ गेन से रिलेटेड जो पेपर बनता है बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों का, ये मैंने आपको क्लियर करा दिया, और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, बाकी हमारे इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।